दुनिया में पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरल में बनी थी, लेकिन अगर आपको बोलूं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए कहां था, तो बनारस में उदल साहब, वो लसना से 9 बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जब तक जिए जब तक जिंदा रहे अनडिफीटेड, कैन यू बिलीव इट, 9 times इन अ रो। वही कौन से साल में? अरे साहब 50 के दशक से लेके 80 के 90 के दशक में, बता रहा हूँ आपको, बड़ा हारे ही नहीं बंदे वो। और बनारस कम्युनिस्टों का बड़ा तगड़ा गढ़ हुआ करता था, यहाँ रुस्तम सैटिन करके बहुत तगड़े लीडर होते थे, 67 में बनारस में बनारस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ करता था 67 में। अच्छा दूसरा आपको उन्होंने बताऊं, लॉन्गेस्ट सर्विंग बंगाली एमएलए के लिए आपको पश्चिम बंगाल जाने की जरूरत नहीं है, श्याम देवराव चौधरी शहर दक्षिण, ये बड़ी गजब जगह है। और यहाँ जो जो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना कि बनारस ओरिजिनल कॉस्मोपॉलिटन टाउन है पूरे दुनिया का, वो यहीं पर है, क्योंकि कहने के लिए मुझे लोग मराठी समझते हैं, मैं सबको कहता हूँ बड़ा फर्जी किस्म का मराठी हूँ, मैं कतई मराठी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरे जैसे कितने मराठी बंगाली तमिल आंध्र सब मिल जाएंगे, जो कितनी पुश्तों से यहाँ पे उनको नहीं पता होगा, आप उनसे बोलेंगे आपकी रिश्तेदारी में लोग हैं, उनको नहीं पता होगा कि उनके गृह राज्य में उनकी रिश्तेदारियां हैं, नहीं होगा। ये बहुत कॉस्मोपॉलिटन टाउन है उस लिहाज से, क्योंकि पूरा भारत आके यहाँ समावेश होता है और उसने यहाँ की राजनीति को अपने तरीके से प्रभावित किया। ये अकेली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जिसमें हर विचारधारा के एक्सट्रीम लेफ्ट सोशलिस्ट सेंट्रिस्ट टू द राइट विंग के सांसद पिछले 75 साल में हो चुके हैं, हर विचारधारा के। और यहां की वो सीटें हैं दक्षिण दक्षिणी की जिसमें श्यामदेवराव चौधरी की बात हो रही थी, राजनारायण पहली बार 51 में वहां से जीते थे सोशलिस्ट पार्टी से, इस शहर ने 3 मुख्यमंत्री दिए, कैन यू बिलीव इट, डॉक्टर संपूर्णानंद त्रिभुवनाथ सिंह और अपने त्रिपाठी जी, 3 मुख्यमंत्री इस शहर ने दिए। तो ये बहुत क्लासिकल जगह है, जिसे कहते हैं ना कभी घमंड नहीं किया वाले अंदाज में, हम बोलने जाइबे नहीं करते हैं कहीं पर क्या है, तो ठीक है जिसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है बनना है, शौक है आए बनारस लड़े, बनारस के लोग वोट देंगे, महादेव की कृपा होगी तो मुख्यमंत्रियों बनेंगे आप, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, बाकी जो है बनारस में जो है सो है।